नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर में हूँ आपके साथ शिवानी पांडे। मथुरा में आज चारों तरफ भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव की धूम मची हुई है, मगर कृष्ण जन्मभूमि पर जहां आज रात 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव के बाद अभिषेक होगा, वहीं द्वारिकाधीश मंदिर में भगवान द्वारिकाधीश के सेवायतों द्वारा सुबह ही अभिषेक कर भक्तों को दर्शन कराए गए। इस महाअभिषेक को पंचामृत से कराया गया, जिसमें शहद, दूध, दही, मक्खन और पूरी शामिल किया गया था। जन्माष्टमी के दिन भगवान द्वारिकाधीश के होने वाले इस अभिषेक का अलग ही महत्व होता है, क्योंकि ये दिन द्वारिकाधीश के भक्तों के लिए कुछ खास माना जाता है, जिसके दर्शन को भक्त सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में मंदिरों के बाहर खड़े रहते हैं। सचिन जी, आज आप द्वारकाधीश मंदिर में हैं, मथुरा में जन्माष्टमी का दिन है, कैसा लगा यहाँ पर द्वारकाधीश की मंगला आरती? मंगला की लिए ठाकुर जी का पंचामृत हुआ, जन्म का उत्सव जी का बहुत आनंद आया हमें और दर्शन किए, बहुत अहोभाग्यों से हमें दर्शन प्राप्त होते हैं। मथुरा जैसी नगरी में हमें जन्म मिला और इसमें ठाकुर जी के सानिध्य में हमें दर्शन प्राप्त हुए, बहुत आनंद आया। भाजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण किशोर भाटिया है। भाटिया जी, आप कहाँ से हैं? मैं मथुरा से ही हूँ। आज जन्माष्टमी का दिन, द्वारकाधीश मंदिर की मंगला करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत सुंदर, अभिषेक के दर्शन तो बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही सुंदर। क्या क्या विशेष अनुभूति हुई? आनंद की अनुभूति होती है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आनंद है। नृत्य के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की। मध्य रात्रि में यही परमानंद आज भट्टे में जन्म लेंगे। हाँ जी, तो कैसा उत्साह है मंदिर में? अरे अखंड आनंद मिलता है, अखंड आनंद। तो पूरा मथुरा आज कृष्ण रंग में रंगा हुआ है, आज जन्माष्टमी की धूम है हर ओर, और हमारे दर्शकों को भी जन्माष्टमी की ढेर शुभकामनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। वरिष्ठ पत्रकार द्वारिकेश बर्मन की रिपोर्ट, आज की खबर, लखनऊ।